ये आज मैं आंवला को धोई हूँ अचार बनाने के लिए। इसको धोकर अभी धूप लगाकर सुखाऊंगी अच्छे तरह से। फिर इसे पीस पीस कटिंग करके फिर मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। सारा प्रोसेस आप लोग को दिखाएंगे। ये आंवला धोकर पसारी हूँ। सूख जाने के बाद इसको पीस पीस काटेंगे। फिर इसको मिक्सर में ग्राइंड करके फिर इसका जूस निकाल कर फिर सुखाएंगे। फिर उसमें लहसुन मिर्ची ग्राइंड करके मिक्स करेंगे। हल्दी नमक अजवाइन मंगरेल करू तिल डालकर फिर सुखाएंगे। इसमें ज़्यादा मसाला डालने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आंवले का कटिंग कर लिए हैं, अब इसको ग्राइंड करेंगे। इसको मिक्सर में डाल दिए हैं। ग्राइंड हो गया, अब इसको गाड़ेंगे। इस तरह से करके इसका जूस निकालेंगे। ये सारा इसी तरह से करके निकाल लेंगे। जूस जूस निकालने के बाद इस तरह से जूस को अलग कर लिए और उसको अलग कर लिए। फिर इसी तरह लहसुन और मिर्चा ग्राइंड करके उसमें मिला देंगे। और ये जूस जो है खाली पेट में पी सकते हैं, जिसको एसिडिटी बनाता है उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। इससे हम लोग डेली इसको खाली पेट में दो दो चम्मच करके पूरे फैमिली पीते हैं। करीब इसको महीना दिन भी रख सकते हैं फ्रिज में रख के, और फ्रिज में रखने के बाद इसको बाहर निकाल कर नॉर्मल करके ही पीना है। इसमें लहसुन और मिर्चा ग्राइंड करेंगे हम। ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, ज़्यादा करके नहीं, तीखा हो जाएगा। ये ग्राइंड हो गया लहसुन और मिर्ची। इसी में मिर्ची और लहसुन मिला दिए। अब थोड़ा देर इसको धूप लगाएंगे। अभी धूप है फिलहाल। धूप लगाने के बाद रात में इसमें तेल और करू तेल और जवाइन मैंगरेल डालकर नमक डालकर हल्दी डालकर मिलाकर फिर कुछ दिन तक धूप में सुखाएंगे। फिर उसके बाद खा सकते हैं। इस तरह से बनाया जाता है। अजवाइन गरम करके डालेंगे उसमें। गरम कर रहे हैं, थोड़ा सा ये गरम हो जाएगा तो फिर डालेंगे। अब इसमें हल्दी डाल रहे हैं। ये हल्दी हो गया। ये अजवाइन हो गया।
ये मंगरेल हो गया, ये नमक हो गया, ये सरसों बॉयल हो गया। काय को फोटो में रखना चाहिए। इसको अच्छे से मिला लेना है। अब ये मिक्स अचार हो गया आंवला का, जो कि हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है।